नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र सिंह। चुनाव आयोग के दो दिनों के प्रचार पर लगी रोक के खिलाफ मायावती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कोर्ट से भी निराशा ही हाथ लगी। मायावती की तरफ से चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। चीफ जस्टिस ने मायावती की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट आयोग के कदम से संतुष्ट है। साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के आदेश पर अलग से आदेश की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि मायावती ने चुनावी जनसभा में मुसलमान का वोट गठबंधन के कैंडिडेट को देने की अपील की थी। इसके बाद आयोग ने मायावती के दो दिन के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद ही मायावती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गृह मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। राजनाथ सिंह का नामांकन के लिए काफिला पार्टी मुख्यालय से निकला और हजरतगंज के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के सामने से रोड शो में तब्दील हो गया। राजनाथ सिंह के रोड शो में सभी समुदाय के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रोड शो में राजनाथ सिंह जिंदाबाद के नारे की गूंज सुनाई दे रही थी। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं का राजनाथ सिंह अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। राजनाथ सिंह का नामांकन कराने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कलराज मिश्र सहित भाजपा के तमाम नेता व कार्यकर्ता रोड शो के जरिए नामांकन कराने लखनऊ जिला निर्वाचन मुख्यालय पहुंचे थे। इनमें जेडीयू के केसी त्यागी भी राजनाथ सिंह के साथ नामांकन में मौजूद रहे। नामांकन स्थल के बाहर भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखते ही बन रहा था। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। राजभर की सुभाषपा यूपी में भाजपा की सहयोगी पार्टी के तौर पर अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। राजभर ने भाजपा से अलग अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। राजभर ने यूपी की 39 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। इनमें लखनऊ से लेकर मिर्जापुर तक के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे लगता है कि राजभर के प्रत्याशियों से यूपी में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने भाषणों में हनुमान जी की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में योगी को अपने भाषण में हनुमान जी का नाम लेना भारी पड़ जाएगा। शायद योगी ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। फिलहाल निर्वाचन आयोग की 72 घंटे चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध के चलते आज लखनऊ के हनुमान मंदिर में हनुमान जी की शरण में पहुँच गए। योगी ने यहाँ हनुमान जी की पूजा अर्चना की और कुछ पल बिताने के बाद अपने सरकारी आवास वापस चले गए। आपको बता दें कि योगी ने भाजपा की चुनावी जनसभा में अली और बजरंग बली का बयान दिया था। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने 72 घंटे का योगी पर चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया था। रामपुर में आजम खान के विवादित बयान ने चुनावी माहौल गर्म कर दिया है। हालांकि आजम खान पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर बैन लगा दिया है। ऐसे में जयप्रदा ने आजम खान के बहाने सीधे अखिलेश यादव पर वार किया। उन्होंने कहा कि आजम खान के संगत में रहते हुए अखिलेश सारे संस्कार भूल गए हैं। मैंने अखिलेश को अपना भाई कहा था, उन्हीं की मौजूदगी में उनके नेता सारी मर्यादाएं भूल गए। आजम खान सब जो दिखते हैं वो है ही नहीं है। ये जो अंदर का आजम खान जो महिलाओं से नफरत करता है, लानत है मुझे इस तरह के भाई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आजम खान का नाम लिए बगैर कहा कि एक गली गैंग है जो काफी सक्रिय है। उस गैंग में मोगैम्बो बनने का कंपटीशन चल रहा है। ये गली गैंग तब खुश होता है जब महिलाओं का अपमान करता है, भारत माता का अपमान करता है, देश के स्वाभिमान और सम्मान का अपमान करता है। एक गाली गैंग है, तो यार बहुत तुम पकड़ लो सक्रिय है वो गाली गैंग, और उस गाली गैंग का मोगैम्बो बनने का कंपटीशन चल रहा है। और ये गाली गैंग तब खुश होता है जब महिलाओं का अपमान करता है, भारत माता का अपमान करता है, देश के सम्मान और स्वाभिमान का अपमान करता है। सपा के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपनी विवादित टिप्पणियों से अक्सर आजम खान सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा पर दिए बयान पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में फंसते चले जा रहे हैं। आजम खान पर आचार संहिता उल्लंघन का 9वां मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव की जनसभा मुरादाबाद से गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर एसटी हसन के समर्थन में आयोजित की गई। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जनता नोटबंदी नहीं भूलेगी। अगर आपने नोटबंदी की है तो जनता वोटबंदी कर देगी। अखिलेश ने पैसा लेकर विदेश भागने वाले विजय माल्या, नीरव मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि
अगर वो हमें इलाहाबाद में रोक सकते हैं तो नीरव जैसे लोगों को दिल्ली में क्यों नहीं रोक पाए जो पैसा लेकर विदेश भाग गए। पीएम मोदी के सपा बसपा गठबंधन को महामिलावट वाले बयान पर कहा कि भाजपा वालों ने भी लगभग 40 पार्टियों से गठबंधन किया है और ये हमें महामिलावटी बताते हैं। जनपद मैनपुरी की किशनी थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एक बड़ी अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने कई अधबने शस्त्र और उपकरण भी बरामद किए हैं। मौके से पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। शस्त्र फैक्ट्री का एक्सपर्ट एक संजय शर्मा है जो अभी पिछले साल हम लोगों ने जेल भेजा था और हमारे गैंगस्टर के केस में वांछित भी चल रहा था। किसी पुलिस को सफलता आज मिली जब वो गिरफ्तार हुआ। 20,000 का उसमें इनाम भी था और उसके पास बहुत सारा इक्विपमेंट मिला हुआ है। बने बनाए 5 कट्टे हैं, अर्धनिर्मित कट्टे हैं, पाइप है, सब कुछ, जितने तरह के सामान इस शस्त्र फैक्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, ट्रेगर गार्ड और आपका जितने भी आइटम होते हैं सब मिले हुए हैं। बहुत शातिर अभियुक्त है, इससे पूछताछ करके हम इसका जो सोर्स क्या है, इसका सहयोग कौन लोग करते हैं और किन के माध्यम से ये कमंचे की सप्लाई करता है। गुजरात के दाहोद शहर में रामनवमी के अवसर पर धूमधाम से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु भगवान श्री राम की भक्ति में लीन नजर आए। जय श्री राम, जय श्री राम के जयकारों से पूरा दाहोद गुंजायमान हो गया। महागठबंधन के घटक दल रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दल चुनाव में बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अनावश्यक और भावनात्मक मुद्दा उठाकर मतदाताओं को गुमराह कर रही है। उन्होंने रोहतास के डिहरी में कहा कि आज इस चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, भुखमरी, विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसान तथा बेरोजगारी चुनावी मुद्दा होना चाहिए, लेकिन हर मोर्चे पर फेल हो चुकी केंद्र तथा राज्य की सरकार जनता को मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। अब उसका भी लोग पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए उपयोग करते हैं, यह ठीक नहीं है। चुनाव में जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए किसी के द्वारा। शिक्षा का सवाल है, गरीबी का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, भुखमरी का सवाल है, किसानों का सवाल है, रोजगार का सवाल है, इन मुद्दों पर लोगों को बात करनी चाहिए। जनता से जुड़ा हुआ जो सवाल है इन मुद्दों पर बात की जानी चाहिए। और जिस तरह की बात लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे, भगवान की मूर्ति के नाम पे, अलग अलग भावनात्मक मुद्दों के नाम पे कर रहे हैं, यह ठीक नहीं। यूपी की बुलंदशहर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत पिछले 35 दिनों में भारी मात्रा में अवैध शस्त्र एवं 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस ने अब तक 405 आरोपियों को भी जेल भेजने का काम किया है। बुलंदशहर के SSP एन कोलांची के सामने मेज पर लगी ये हथियारों की बड़ी खेप चुनावों को प्रभावित करने के लिए बुलंदशहर में प्रयोग हो सकती थी, लेकिन SSP द्वारा चलाए जा रहे सघन अभियान के दौरान पहले ही कार्रवाई के दौरान पकड़ ली गई। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट 10.3 में अनाउंस होने के बाद हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई में पूरी प्रयास कर दिया, सभी थाना पूरी मेहनत कर दिया, प्रयास कर दिया। इसी में टोटल 405 इलीगल असला, इसमें 24 पिस्टल है, राइफल है, 739 कारतूस, ऐसे 4 फैक्ट्री असला का फैक्ट्री, 2 करोड़ के ऊपर अवैध दारू, इसमें देशी विदेशी दोनों है, ऐसे ही 1.5 करोड़ का वो है पैसा पकड़ा है। एक ही केस में ऊर्जा नगर एरिया में 1.6 करोड़ का पकड़ा है। अलीगढ़ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अंबेडकर मूर्ति टूटने का मामला प्रकाश में आया है। यहां बरौला बाईपास पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया है। इसके बाद से समाज के लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई ताकि यहां किसी तरह की अनहोनी घटना ना घट सके। दरअसल शहर से सटे मोहल्ला बरौला जाफराबाद में अंबेडकर की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने देर रात तोड़ दिया। जैसे ही अंबेडकर प्रतिमा टूटने की सूचना समाज के लोगों में पहुंची तो भारी तादाद में लोग इकट्ठा होकर अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। मेरा नाम मदनलाल है। ये बरौला जाफराबाद की घटना है। इसमें जो है हमें सुबह सुबह सूचना मिली कि एक पार्क में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया है जी। और ये बहुत ही गलत कार्य किया गया है। इसमें हमारी डिमांड जो रहेगी उस प्रशासन की तरफ से ये रहेगी
कि इसकी मूर्ति पूरी मूर्ति लगवाई जाए और इसके लिए सीसी कैमरा की व्यवस्था की जाए, जिससे कि उपद्रव जो है आगे के लिए कोई भी ऐसी घटना ना कर सके जो कि वो कैमरे में कैद हों। खास खबर में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए जनप्रभात के साथ। नमस्कार।